भैया जी सुपरहिट बड़े पर्दे पर आने वाली है और इसकी तैयारी फिल्म के मेकर्स ने भी कर ली है। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत 2011 में हुई, उसके बाद ये 3 साल के लिए डिले हुई। 2016 में शूटिंग रिज्यूम हुई और माना जा रहा था कि 2018 के अक्टूबर में इसे रिलीज किया जाएगा। फिल्म के डायरेक्टर नीरज पाठक ने पूरी कोशिश की थी कि इसे अक्टूबर में रिलीज किया जाए, लेकिन फिर से फिल्म को डिले कर दिया गया और अब ये फिल्म 26 नवंबर को रिलीज होने की उम्मीद है। फिल्म में सनी देओल डबल रोल कर रहे हैं, जहां एक तरफ बने उत्तर प्रदेश के डॉन जिनका नाम है भैया जी, वहीं दूसरी तरफ बने एक फिल्म एक्टर। भैया जी सारी दुनिया को डराते हैं, लेकिन डरते हैं अपनी वाइफ प्रीति जिंटा से। और वहीं एक्टर का जो किरदार है वो शादी कर चुका है मल्लिका से, जिसका किरदार प्ले कर रही हैं अमीषा पटेल। दोनों एक जैसे लगते हैं और इसी वजह से ये कॉमेडी ऑफ एरर्स शुरू होती है। ट्राइड एंड टेस्टेड पुराना फॉर्मूला है, लेकिन सनी देओल को लेकर पहली बार किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने करियर में फुल फ्लेज्ड डबल रोल पहली बार करते नजर आएंगे। फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का एक और ट्रेलर रिलीज किया है। पहले ट्रेलर रिलीज हुआ था कुछ वक्त पहले, तब फिल्म रिलीज होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। अब दोबारा ट्रेलर बनाया गया है और नए सिरे से रिलीज किया जा रहा है। फिल्म में श्रेयस तलपड़े भी नजर आएंगे, जो इससे पहले सनी देओल के साथ फिल्म पोस्टर बॉयज में दिखाई दे चुके थे और पोस्टर बॉयज को उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। देओल के साथ उनकी ऑलरेडी कॉमिक टाइमिंग काफी ज्यादा अच्छी है। उम्मीद की जा रही है कि सनी देओल ना सही लेकिन श्रेयस तलपड़े थोड़ा सा ह्यूमर फिल्म में ला पाएंगे।